हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद अस्थियां क्यों इकट्ठा की जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य के जीवन का अंत होता है, जिसके बाद गंगा जैसी पवित्र नदी में उसकी आखिरी अंश यानी उसकी अस्थियों को विसर्जित करके इस संसार में मौजूद उसकी आखिरी निशानी को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी अनजान हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के पश्चात और विसर्जन से पहले उन अस्थियों को संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथ 3 दिन बाद ही उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए क्यों कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में 3 दिन बाद अस्थि संचय करने का सही कारण भी बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय को लेकर कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु होने के 3rd या 7th अथवा 9th दिन अस्थि संचय करना, साथ ही उनका विसर्जन 10 दिनों के अंदर करना, जिसे धर्म यज्ञों द्वारा कुछ हद तक प्रसारित तो किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर मनुष्य इन मान्यताओं को निभाने की वास्तविक कारण को नहीं जानता है। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण ये कहता है कि अंतिम संस्कार के 3rd दिन बाद ही अस्थि एकत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की तरंगों को संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के उपरांत कम होने लगती है, जिससे कि अस्थियों के चारों ओर निर्मित कवच की क्षमता को कम पड़ने लगता है। ऐसे में अस्थियों पर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थात प्रेत आत्मा उस जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास करती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वे अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृत के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लेकिन अस्थियों को एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों को संचय करके उसे एक साफ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे घाट ले जाना चाहिए। इसके बाद अस्थियों को एक लाल घड़े में रखकर घाट के पास ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर साल भर के लिए पानी की पूरे 365 दिन के हिसाब से 365 दिन पानी देना चाहिए, जिसे हम 3rd दिन से 7th दिन के बीच बराबर बांटकर 7 दिनों के भीतर पानी डालकर ही खत्म कर देते हैं। एक चीज और है जो व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। उस दिन के लिए आपको केवल चावल और सब्जी ही खानी चाहिए। सब्जी में उसी सब्जी को रखें जो मृत को पसंद थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए, और यदि आप कुछ दिन बाद अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसी स्थिति में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद्ध करके उसका विसर्जन करने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि मृतक की अस्थियों को 3 दिन बाद एकत्रित क्यों किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।